सेंटर सरकार द्वारा जो कृषि अध्यादेश लाए गए काला कानून, उसके विरोध में हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ऑल इंडिया से किसान भाई जो दिल्ली में आंदोलनरत है, उनके लिए हमने 10,000 बोतल पानी की और 5.5 कुंटल दूध व्यापार मंडल अनाज मंडी की तरफ से वहाँ भेजा जा रहा है और आगे भी जरूरत हुई तो हम उनको और भी भेजेंगे। जब तक ये प्रदर्शन चलेगा व्यापार मंडल का पूरा सहयोग रहेगा और किसी भी तरह की हम कमी आने नहीं देंगे। तो यहाँ से और क्या क्या सामान जा रहा है? आज तो दूध और पानी जा रहा है, संडे को हमारे व्यापारी भाई और भी जाएंगे दिल्ली, जो भी इनकी भाइयों की जरूरत होगी, किसान भाई हमारे हैं रविंदर जी, जो ये आदेश देंगे वो सामान हम यहाँ से उनके साथ भेज देंगे। तो व्यापार मंडल की तरफ से कौन कौन जा रहे हैं और किसके नेतृत्व में जो ये है आप भेज रहे हैं? ये आज तो हमारे किसान नेता है रविंदर जी, उनके नेतृत्व में जा रहे हैं। संडे को हमारी यहाँ से 10 गाड़ियाँ, कम से कम 10-12 गाड़ियाँ, कम से कम 100-125 व्यापारी हम दिल्ली जाएंगे, जो भी सामान होगा, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरी। कोरोना का इतना बहाना बना के 3% कटौती नहीं कर रहे हैं तो विद्यालय जारी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय के साथ बच्चों को यह दसना चाहता है कि उन्हें पासी राजगुरु खिलाफे ये बड़े चिंता का विषय है कि लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि देश भी जो बचाना तो सुनारी को लेके कि अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे दूसरा नंबर आरती है।